उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत जंगल से लगे गांव चेचरिया में बीती रात घर में अपने पिता के साथ सो रहे मासूम बच्चे को तेंदुआ उठा ले जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मासूम बच्चे को उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोकर रेंज अंतर्गत जंगल से लगे गांव चेचरिया में बीती रात घर में अपने पिता के साथ सो रहे 4 वर्षीय मासूम बच्चे को रात 3 बजे के करीब अचानक तेंदुआ उठाकर ले गया। बच्चे के रोने और फिर उसके परिजनों के जागने के उपरांत काफी हल्ला मचाने पर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया, जिससे मासूम बच्चे की जान बच सकी है। एक बच्चा रवि शंकर, जिसका नाम है, उसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है, निवासी से चरिया का है, जिसको रात में 3-4 बजे यहाँ जिला चिकित्सालय मोहल्ला में लाया गया। उसको शायद उसने हमला किया था उसके ऊपर, उसके सर पर चोट पाई गई है, चिचरिया के रहने वाले। मेरा नाम है राम प्रसाद सिंह गौड़। ये हुआ 3 बजे, हम सोए थे पहले अंदर, लाइट गोल हो गई थी, अंधेरा हो गए थे, मच्छर चाप रहे थे, तो बच्चों को, 2 बच्चों को मैं बाहर सुला दिया कमरे से बाहर। तो जानवर 3 बजे सही घुसा और उसको लेके जो भागा तो रोने लगा, तो मैं दौड़ा, उस नींद अकेला ही था मैं, अब मेरे जो घर वाली थी वो अंदर थी, तो मैं दौड़ा तो उसने जो छोड़ के दीवार कूद को भाग गया। वो जानवर को नहीं देख पाया, अंधेला था रोड पास, जैसे रोड पास में घर है मकान अपने पास चिचरिया में। ये जानवर तो मुझे यही लगता है, ये क्या कहते हैं, ये तेंदुआ, ये है तेंदुआ, है तेंदुआ जानवर, ये था। उमरिया से राष्ट्रीय मिश्रा की रिपोर्ट।